रायबरेली जनपद के शिवगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष गौरव मिश्रा ने कांग्रेस में कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए चल रहे संगठन सर्जन अभियान को लेकर बीते बृहस्पतिवार को भौसी गांव में एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर पार्टी का जनाधार बढ़ाने को कहा गया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश महासचिव सुशील पासी रहे। आपको बता दें कि शिवगढ़ ब्लॉक के भौसी गांव में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश महासचिव सुशील पासी ने कहा कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में पार्टी प्रदेश में लगातार बढ़ रही है। पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत किया जाएगा। आने वाले दिनों में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी के शिवगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष गौरव मिश्रा ने कहा कि सृजन अभियान के जरिए पार्टी में कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं और वह मजबूत हो रही है। इस मौके पर पूर्व प्रधानाचार्य जनता इंटर कॉलेज अश्वनी अवस्थी, दिवाकर मिश्र, विजय कुमार बीडीसी, कामतानाथ, विक्रम समेत बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे। आइए देखते हैं एसके इंडिया न्यूज के लिए रायबरेली से रजनीकांत अवस्थी की रिपोर्ट। 410 रुपए एलपीजी के सिलेंडर का रेट था, 290 रुपए में 2004 में डॉक्टर साहब ने जब सत्ता संभाली थी तब उनको मिला था। 10 वर्षों में 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, कुल जमा वृद्धि होती है 120 रुपए की। उसके बाद में जब खाली करते हैं तो 410 का करते हैं, फिर ये 410 से शुरू करते हैं। आज का रेट मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे क्या भाव है एलपीजी का सिलेंडर, बताइए आप ही, तभी लोग तो लेते हैं एलपीजी का। जी 940। ये वो सरकार है मित्र जिसने महंगाई का विरोध किया था, जिसने 410 के सिलेंडर का विरोध किया था और स्वयं 7 बरस में कहां से कहां पहुंचा दिया। 54 रुपए का डीजल, 71 रुपए का पेट्रोल, देशद्रोही था। आज का भाव मैं फिर नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे क्या भाव है डीजल का, सब लोग लेते हो बताइए पेट्रोल का क्या भाव है। और विरोध किस बात का किया था, महंगाई का। महंगाई का विरोध करने के बाद में आपको महंगाई के सागर में डुबो देने वाली ये सरकार, मेरी बात मत मानिए, आंकड़ों की बात कीजिए। जो आंकड़े कह रहे हैं वही मैं आपको बता रहा हूं, अपने पास से मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई बाहर से आ करके आपको बताए तब आप जागिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मानव मस्तिष्क विवेकशील मस्तिष्क होता है, लगातार चिंतन, अनवरत चिंतन मानव जाति का कर्तव्य है। हमें खुद अपने अच्छाई बुराई के बारे में सोचना चाहिए। सिर्फ किसानों की बात करूंगा, खाद्यान्न की बात करूंगा, पीडीएस सिस्टम लागू होता है इंदिरा जी के समय से, बहुत कुछ है उन्होंने किया हमारे राष्ट्र के लिए, खास करके हमारे जनपद के लिए। लेकिन दो एक विषय पर मैं बोलना चाहूंगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत इंदिरा जी के समय से हुई, जो कि समय समय पर सरकारों ने अपने हिसाब से शासनादेशों में परिवर्तन किया और नियमों में बदलाव किया। लेकिन इतना प्रचार तंत्र कि एक झोला दे करके उस झोले में कुल जमा जितना राशन है उसकी कीमत झोले से भी कम, इसे कहते हैं प्रचार। बच्चा माँ के पेट में आता है वहां से वैक्सीनेशन शुरू हो जाता है, चाहे वो बीसीजी का टीका हो या डीपीटी का टीका हो या टिटनेस का इंजेक्शन हो। कभी किसी ने कहा होर्डिंग लगा करके कि थैंक यू बोलिए हमको, थैंक यू इंदिरा जी, थैंक यू राजीव जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूँ, जब जब कांग्रेस की सरकार आई, गरीब भूमिहीन लोगों को आवासीय और खेतियर खेती करने योग्य जमीन आवंटित करने का काम किया। यहाँ तक कि सन 1952 में जमींदारी विनाश अधिनियम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लागू किया था, ताकि देश में भूमिहीन लोगों को जमीन मुहैया कराई जा सके। और ये बाबा आए हैं, बाबा को बाबागिरी करने से फुर्सत नहीं है, तो इन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि इस देश में, उत्तर प्रदेश में कितने भूमिहीन हैं। अगर ये चाहते तो भूमिहीनों को आवासीय पट्टा दे सकते थे, ये चाहते तो भूमिहीनों को कृषि आवंटित कर सकते थे, ये चाहते तो राजस्व विभाग में तमाम नियमावली बना सकते थे, तमाम ऐसे कानून बना सकते थे जिससे गरीब लोगों को राहत मिल सकती थी। लेकिन ड्रामा करने के अलावा बाबा को कुछ नहीं आता, बाबा सिर्फ ड्रामा कर सकते हैं। और ड्रामा करने वालों का काम केवल है कि मठों में जाएं और मठाधीशी करें। बाबा मठाधीशी के योग्य तो हैं, लेकिन सरकार चलाने योग्य नहीं है।
इसलिए मैं बड़े साफ शब्द में। और दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों से नफरत करती है, घृणा करती है। ये ऐसी मानसिकता से घिरी हुई सरकार है कि जब गरीब आदमी पैदल चलता है तो आदरणीय प्रियंका गांधी जब उनके लिए बस की व्यवस्था करती हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते थे कि गरीब लोग बसों से जा सके, अपने घरों में जा सके। ये ऐसे लोग हैं, जगह जगह उत्पीड़न किया जा रहा है, गरीब जाता है थाने पर उसको भगा दिया जाता है, उससे पैसे लिए जाते हैं, दलालों से घिरे हुए थाने हैं। आप चले जाओ किसी कर्मचारी के यहाँ, किसी अधिकारी के यहाँ, वहाँ आपको दलालों का अड्डा मिलेगा। आम जनता ने जाना बंद कर दिया। इसीलिए जो थाना दिवस है और जो तहसील दिवस है, ये मूक दर्शक बन चुके हैं, ये शून्यता की तरफ चले गए। पब्लिक ने अपने आप को इन चीजों से अपने आप को दूर कर लिया, क्योंकि वो निराशा से भरी है। और अब जनता इंतजार कर रही है उत्तर प्रदेश के चुनाव को। उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप देखिएगा, ये फेसबुक और ट्विटर से सरकारें नहीं चलती, जो आपने बताया कि 45% जनता उनको पसंद करती है। हो सकता है फेसबुक वाले पसंद करते होंगे, लेकिन आम जनता जो भूखी नंगी है, जो पैदल है, वो फेसबुक और ट्विटर से नहीं चलती है, वो आम जनमानस से चलती है, इकबाल से चलती है। और वो अभी आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश में जितने जिला पंचायत जीत कर आए थे, वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जीत करके आए थे। आप आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया था, लेकिन डरवश, लालचवश, पैसे से खरीद करके, थोड़े देर के लिए अपने आप को खुश करने के लिए, पैसे के बलबूते कुछ लोगों को खरीद करके अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख बना लेने से जनता का इकबाल नहीं मिलता है। जनता इनको सबक सिखाएगी। जैसे दूसरे दलों की सरकारों का सूफड़ा साफ हुआ था, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी का सूफड़ा साफ होगा। और देखिएगा कि बाबा को मठ वापस जाना पड़ेगा। मठ चलाने के अलावा ये सरकार चलाने योग्य नहीं है। इनको गलत मुख्यमंत्री बनाया गया है, और इनके नाम पर अगर मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ होता तो ये सूफड़ा साफ हो जाता, लेकिन केशव मौर्य के नाम पर, अनुप्रिया पटेल के नाम पर, दलितों और पिछड़ों के नाम पर ये वोट को इकट्ठा किया गया, और योगी आदित्यनाथ सिंह को जबरदस्ती इस कुर्सी पर बैठाया गया है। इसका जवाब जनता 2022 में देगी। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।